एक कहानी सुनाओ पापा। तो हमारी हीरोइन लॉयर है, मैनेजमेंट की, ऑफिस, हाय बोलो, स्माइल करो, जल्दी जल्दी चलो, ये सब कुछ करती है। और फिर दुनिया और दिल के कोसों दूर उसे एक साथी मिलता है। साथी उसे मिलता है और कहता है हाय। हीरोइन कहती है हेलो, मुझे जाना होगा। क्यों, ऐसे क्यों जाना होगा, कहाँ जा रही हो? मुझे भागते रहना होगा, मैं रेस में भाग रही हूँ। क्यों, क्यों भाग रही हो? सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रही हूँ, अगर मैं नहीं भागूंगी तो मर जाऊंगी। नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं जीना, तुम अपनी रेस क्यों नहीं चुन लेती? हाँ, तुम तो गारंटी है, आसानी से फर्स्ट आ जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे भागते रहना है, भागते रहना है और भागते रहना। और ऐसी हमारी हीरोइन भागती रहती है, ऑर्डिनरी जिंदगी जीती रहती है और फिर एक दिन मर जाती। कहानी खत्म। क्या हुआ, एंड पसंद नहीं आया? चलो कोई नहीं, अपनी कहानी है, एंड तो बदल सकते हैं ना पापा। लॉ नहीं पसंद, मैनेजमेंट भी नहीं पसंद, पर इस रेस में मैं फर्स्ट आ सकती हूँ। You know how there are those people who have dreams and they want to do something but they really can't? It's like a pipe dream for them but they're not supposed to do it. And you said it, people grow up and their dreams change. And maybe I'm not supposed to do it. Maybe I'm supposed to go back to college or find something to do because I left. I left all of that to do this. It's been 6 years. I don't want to do it anymore. So no, not gonna do it. No. She said no, Your Honor. Phir bhi, accused Rajveer ne inko chhua. Bahut gandi tarike se chhua and she felt humiliated. Thodi si nashe mein thi. And that brings me to rule number 4. Sharab. लड़कियों को शराब पीना अलाउड नहीं है क्योंकि लड़कों को लगता है अगर लड़की उनके साथ बैठ करके शराब पी रही है तो सोने से भी नहीं कतराएंगी। एक्चुअली यहाँ पर ना शराब एक हेल्थ हैजर्ड नहीं, लड़की की कैरेक्टर की निशानी बन जाता है, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए। एंड और भी कई रूल्स हैं। रूल नंबर 5 जो राजवीर ने खुद कहा कि लड़कियों को लड़कों को भैया बुलाना चाहिए। रूल नंबर 6 उनको हंस के बात नहीं करनी चाहिए, कोई सीरियस बात, कोई खुशी की बात भी बहुत सीरियसली बोलनी चाहिए, है ना। और रूल नंबर 7 अकेले नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहने का हक तो सिर्फ लड़कों को होता है, जल्दी शादी कर दी जाए, मोबाइल नहीं, स्कर्ट नहीं पहने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई एम डाइग्रेसिंग। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख बांट लो, मन हल्का हो जाएगा। नहीं जी, कोई सुनता नहीं है। कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिससे आप शायद अपनी सारी बातें कर सकें, हल्के हो जाएं, पर अगर उसी से अलग होना पड़े तो, है ना। इसलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर आ गई। यहाँ कोई मुझे ऐसे नहीं देखता कि ये देखो ये अपने पति के साथ 8 साल तक थी फिर छोड़ के आ गए। क्या बताऊं कि पहली बार मुझे कैसे खटका कि हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। उस रात को मैं चीखी, चिल्लाई, खूब रोई, बगल वाले कमरे में नहीं भाग सकी। देखिए कितनी बड़ी हो गई, कितनी जल्दी। यू नो व्हाट Why don't you shut up? Why don't you really shut up? तुम सच में जानना चाहते हो तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? Why did your fiance leave you? जानना चाहते हो? Wait, because you are a crybaby. तुम रोते हो, तुम सिर्फ लोगों को please करना चाहते हो. You're a people pleaser. No one likes that. Okay, what is your name? No, wait, you were crying. Hi, Rahul को छोड़ दिया, Rahul को छोड़ दिया. Look, Rahul, that's a very nice name. लड़कियों को अच्छी लड़की पसंद है, पर लड़कियों को मर्द भी चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि कोई उन्हें, यू नो, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ये कह सके कि आई एम सॉरी, आई लव यू, बट आई विल नॉट फोल्ड योर अंडरवेयर 6 डिफरेंट वेज। मतलब उन्हें मर्द चाहिए। एंड बी अ मैन, उसको जाकर के बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सो व्हाट,
So what was, okay, you know what, you need to really stop crying. Really, just stop crying. सड़क के बगल में चबूतरा होता है ना, उसके ठीक बीचों बीच चलता है जहाँ पे शतरंज का खेल बिछा होता है, और अपुन सिर्फ काले पे चलता है, और काला खत्म हुआ मतलब आउट। भगवान ने ना अपुन को जादू दिया, तो ऐसा अपन देखता है तो म्युनिसिपैलिटी का सड़क पे भी ऐसे काला काला बन जाता है। तो अपुन चलने लगा, और चल रहा था उसी काले पे साला आकर के गिर, और शराब पीला था तो अपुन ने उसको बोला कि उठो हटो वहां से, अपुन को आउट नहीं होने का था। हंसने लगा, बाजू में पत्थर उठाया, बहुत डेंजर होता है सड़क पे दारू पी के चलना।